नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, अलौकिकतापूर्ण देवी गुणों, कर्मों एवं स्वभाव को धारण कर श्री बाबा नीम करोड़ी महाराज जी हमारे मध्य आए। अपने अलौकिक लीलाओं के माध्यम से भवताप से पीड़ित अपने जन्म जन्म के चरणाश्रितों, अनगिनत दीनों, शापित मनुष्यों एवं भगवत भक्तों को दैहिक, दैविक, भौतिक आदि तापों से मुक्त कराने हेतु उन्होंने उनके लिए आश्रमों में ही नहीं अपितु उन्हीं के घरों में ही स्वर्ग का निर्माण कर दिया। अर्थात महाराज जी ने ऐसी प्रथा न बनाई कि अपने आश्रम में लोगों को बुलाया जाए, अपितु महाराज जी ही लोगों के घर में उनके मंदिर में स्थापित हो गए। यानी कि दोनों हाथ से अपने ही अक्षय भंडार से विभव मुक्त भाव से सबको लुटाकर बिना पात्र कुपात्र, बिना संत असंत और भक्त अभक्त की भावना के महाराज जी सामने वाले का कुछ नहीं देखते, बस दे देते। बाबा ने अपने प्रकाश में लीलाओं से भक्त समुदाय एवं आश्रितों को ऐसा अवलंबन दिया जिसके बल पर उनका अपना ही संसार नहीं अपितु परमार्थ भी निर्मित हो गया। बिना किसी भेदभाव के महाराज जी गुणहीन का गुण बन गए, अंधे की आँख बन गए और असहाय के तो वे सखा भी बन गए। भाई बाप बनकर उन्होंने अनगिनत भूखों को भोजन दिया तथा निराधार को भी अपनी आत्मशक्ति का आधार दिया। और जो धर्म की राह पर अड़िग होकर चल रहे हैं ऐसे भक्तों ज्ञानियों को तो ईश्वर प्रेम का सुख सार प्रदान कर उन्हें भवसागर से ही पार करने हेतु स्वयं ही सेतु बन गए। जो कोई भी अकुलीन होता उसे ऐसा अपनाया कि उनके स्वयं का नाम ही उसका कुल धन बन गया। जीवन पर्यंत सुबह शाम रात दिन हर पल इन्हीं कर्मों में रत रहे सभी के गरीब नवाज बाबा नीम करोड़ी महाराज जी। और उनके स्वयं के बारे में, घर छोड़ा, वैभव छोड़ा, स्वजन छोड़े, अगाध पैतृक संपत्ति का मोह तथा भोग छोड़ा, सभी सांसारिक सुखों का परित्याग किया और यह सब भी सबसे गुप्त रखकर अधिकांशतः जंगलों और वीरानों में ही घूमते रहे। अधिकांशतः तो महाराज जी जंगलों और वीरानों में ही घूमते रहे, कभी अपने परिकरों के साथ तो कभी अकेले भी, शीत, बर्फ, ग्रीष्म में बिना छाँ छप्पर के शिलाओं के ऊपर और मार्गों में रात बिताते हुए, केवल एक धोती लपेटे और बाद में केवल एक कंबल और चादर ओढ़े हुए, रूखा सूखा भोजन जो मिला सब खाया करते, शहरों, गांवों और घरों में डोलते रहे और बस लोगों पर अनायास ही अपनी दया कृपा लुटाते रहे, जन जन का पीर हरते रहे। अपना कहने को तो कुछ भी न रखा, निद्रा विश्राम सबका परित्याग कर दिया, अपनी भूख प्यास सभी विसर्जित किए जनमानस के सुख एवं उनके उद्धार के लिए। यहाँ तक कि आश्रितों और भक्तों की रुचि रखने को बरबस अपनी स्वयं की अभिरुचियों और मूल व्यक्तित्व का ही होम कर दिया। यहाँ तक कि कई बार तो भक्तों के कर्मफल भी स्वयं ही भोगे, उनके जघन्य अपराधों को भी क्षमा किया केवल अपने दयालु स्वभाव के कारण। केवल येन केन प्रकरण उनके उद्धार हेतु न तो बाबा कभी अवगुण देखते, न पात्रता देखी, न कर्म देखे, न वर्ण देखा, जो आया उसी का मनोरथ पूर्ण कर दिया। ऐसे हैं परम कृपालु, परम पूजनीय बाबा नीम करोड़ी महाराज जी, जो दिखने में इतने साधारण हैं दोस्तों, वह अपने पीछे इतना असाधारण ब्रह्मांड छिपाए हुए हैं जिसकी कोई था नहीं। और यही कृपा सागर बाबा नीम करोड़ी महाराज जी लोगों के लिए संकट मोचन भी बन जाते हैं। संकट मोचन जो चाहे किसी भी भक्त का कैसा भी संकट क्यों ना हो, उसे हरने में एक क्षण नहीं लगाते। आप महाराज जी पर विश्वास करें या ना करें, बाबा को आप जानते हों या न जानते हों, महाराज जी को कृपा करनी है तो बाबा आप पर कृपा करके रहेंगे। बाबा को आपके जीवन भर के किए गए ऊंचे नीचे कर्म से कोई लेना देना नहीं। महाराज उन कर्मों का लेखा जोखा तो इस प्रकृति पर छोड़ते हैं, परंतु जहां बात कृपा करने की आती है, बाबा सिर्फ और सिर्फ अपने भक्त की आत्मा देखते हैं। अगर आपकी आत्मा जन्म जन्म से शुद्धिकरण पर है, अगर आपकी आत्मा के अंदर वह पवित्रता है जो एक ईश्वर की कृपा पाने का पात्र है, तो महाराज जी की कृपा छल के बिना नहीं रह सकती। आज आपको महाराज जी का एक ऐसा ही वृतांत सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने एक ऐसे व्यक्ति जो बाबा को न तो जानता था और न ही मानता था, उस पर भी ऐसी कृपा कर डाली कि वही मनुष्य महाराज जी के चरण पकड़कर सदा के लिए उनका भक्त हो गया। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी के सालों की घटना पर। दोस्तों, ये भक्त बताते हैं कि ये बात है सन 1950 की। मैं अपने अधिकारी और बाबा के साथ नैनीताल से कार द्वारा हल्द्वानी गया था और जो मेरे अधिकारी मेरे साथ थे वे सभी महाराज जी के भक्त थे। अतः उन्हीं के आग्रह पर बाबा उस दिन मेरी कार में बैठे थे। उस दिन कार चलाते समय मैं सिगरेट पी रहा था और मेरे मन में बाबा के प्रति उपेक्षा का भाव था, जैसे कि वह बहुत ही एक साधारण से आदमी हैं और इनमें जब कुछ ऐसा है ही नहीं तो लोग इन्हें इतना क्यों मानते हैं। खैर, उस दिन एक दिन की मुलाकात और यात्रा में न तो मेरी बाबा से कोई बात हुई, न ही उन्होंने मुझसे कुछ अलौकिक बात कही। और उस मुलाकात के बाद में बीत गए तकरीबन 8 साल। कालांतर में अपनी माँ के निधन के बाद सन 1958 में मैं पिताजी के साथ भवाली में आकर रहने लगा था। एक दिन अचानक रात को पिताजी बहुत बीमार पड़ गए। उनके पेट में बहुत तेज़ी भयानक दर्द उठा, तब भैली से डॉक्टर को तुरंत बुलवाया गया।
डॉक्टर ने आकर एक इंजेक्शन लगाया लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खैर दूसरे दिन इसी कारण से नैनीताल से बड़े डॉक्टर को बुलाया गया। जब वह डॉक्टर आए और उन्होंने जांच निरीक्षण किया तो उन्होंने कहा कि पिताशय का अब ऑपरेशन तुरंत होना चाहिए। मैं उस समय समीप के टीबी सैनिटोरियम के डॉक्टरों से परामर्श करने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर महाराज जी के एक भक्त द्वारा निर्मित एक छोटे से हनुमान मंदिर के प्रतिष्ठान हेतु पूजा की तैयारियाँ चल रही थी। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ कि मैं वहाँ पर रुककर वह सब कुछ देखने लगा। बाबा आए तो अवश्य होंगे लेकिन अज्ञात रहे और अचानक से मेरे मन में उनके दर्शन की उत्सुकता जागने लगी। तभी मैंने वहाँ पर उस पूजा स्थल पर यह भी सुना कि महाराज ने किसी को यहाँ पर समाधि लगा दी थी। मेरे मन में एक अलौकिक घटना को देखने का उत्सुकता जाग उठी और बाबा के दर्शन की चाह अचानक से ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसी दिन शाम को नैनीताल बस स्टेशन से संदेश लेकर एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने मुझे बाबा नीम करोड़ के पास चलने को कहा। उस समय तो मैंने संदेश पर ध्यान नहीं दिया लेकिन रात में बस स्टेशन गया और संदेशवाहक के बारे में जानकारी करने लगा, किंतु किसी ने कुछ नहीं बताया। इसका परिणाम कुछ ऐसा हो गया कि मेरी तो जिज्ञासा अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैंने वहीं पर एक व्यक्ति से पूछा कि बाबा नीम करोड़ से मैं कहाँ कब मिल पाऊँगा। जब उस व्यक्ति ने मुझे उचित जानकारी दी तो मैं जानकारी मिलने पर बाबा के पास चला गया। महाराज जी मेरा नाम लेकर सीधा मुझसे पूछा कि तेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। अनायास ही मेरे दोनों हाथ जुड़ गए और हाथ जोड़े मैंने कहा कि हाँ। तभी महाराज जी कहते हैं, तूने सोचा कि वह मर जाएगा लेकिन ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया है। डॉक्टरों ने तुझसे कहा है कि उसका ऑपरेशन होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होगा, वह ठीक हो जाएगा। और उसी मुलाकात के दौरान बाबा ने मुझे मेरे पिताजी के लिए 2-3 आम दिए जो मैंने वापस आकर पिताजी को खिला दिए और उन आम के अंदर शायद महाराज जी का अलौकिक आशीर्वाद था, क्योंकि आम का सेवन करते ही मेरे पिताजी की हालत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों बाद बाबा ने मुझे फिर से बुलाया। मैं उनके पास गया लेकिन चरण स्पर्श नहीं किए। उस समय मेरे विचारों में दिल्ली लौटने की योजना बन रही थी। तभी बाबा ने कहा कि तू दिल्ली जा रहा है तो गाड़ी बहुत तेज चलाता है, अपने पिताजी को थोड़ा अच्छी तरह से ले जाना, वह ठीक हो जाएंगे। खड़े खड़े मेरे मस्तिष्क में चल रहे विचारों को बाबा के मुख से प्रत्यक्ष में घटनाक्रम में सुनना यह मेरे मन को छू गया। मैंने तुरंत ही अनायास झुककर बाबा के चरण स्पर्श कर लिए। भक्त कहते हैं कि उस दिन जो कुछ भी हुआ ऐसा लग रहा था कि मैं किसी स्वर्ग में जाकर देवताओं के स्थान पर उनका आशीर्वाद लेकर आया हूँ, क्योंकि उस घटना के बाद में मेरे पिताजी का ऑपरेशन कभी नहीं हुआ और वह बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। उन कालांतर में ना ही किसी अन्य रोग ने उन्हें परेशान किया। उस दिन की वह मुलाकात, बिन मांगे दिया गया प्रसाद और आशीर्वाद, ये सब कुछ महाराज जी का मुझ पर हमेशा के लिए एक ऋण बन गया, इस जन्म के लिए नहीं अनेकों जन्मों के लिए। और दोस्तों, इस प्रकार ये भक्त सदा के लिए महाराज जी का होकर रह गया। अब शायद आप भी जान गए होंगे कि महाराज जी इतने साधारण क्यों हैं, क्योंकि तो बाबा अपने पीछे असीमित असाधारण कृपा छिपाए हुए हैं। महाराज जी का सानिध्य जितना दिखने में और जीने में सरल लगता है उतना ही अस्तित्व के रूप में असीमित असाधारण है। आप सोचें कि बाबा जो उन्हें जानता तक ना हो, जो उन्हें कभी देखा ना हो, उस पर भी इतनी अविरल कृपा कर देते हैं। तो आप अगर महाराज जी की भक्ति कर रहे हो, उन्हें ध्याते हो, तो क्या आपको महाराज जी की कृपा नहीं मिलेगी? आपके ऊपर तो बाबा की कृपा हर क्षण बरसती रहती है। बस अपने मन पर नियंत्रण रखिए और अपने मस्तिष्क को विचारों में उलझने से बचाते रहिए। क्यों? क्योंकि यही आपको महाराज जी की बरसती कृपा का आनंद नहीं उठाने देंगे, उल्टा बार बार आपको ही उकसाएंगे कि बाबा तो आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहे। और दोस्तों, ये आप अकेले में ही नहीं अपितु अधिकांश भक्तों के साथ होता है। जब वे महाराज जी को ध्याते हैं तो उनके मन में एक ही बात चलती है कि बाबा मेरे सुन क्यों नहीं रहे, बाबा की मुझ पर कृपा कब होगी। दोस्तों, जो कृपा हो रही है आप उसका आनंद लीजिए, क्योंकि ये कृपा कोई साधारण कृपा नहीं है। अगर महाराज जी को आप ध्याते भी हैं तो ये भी बाबा की कृपा से हो रहा है और ये बहुत ही दैवी कृपा है। मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखोगे तो हनुमान जी महाराज जी की कृपा आपको हर पल एहसास कराती रहेगी। आशा करते हैं आज का प्रेरणादायक प्रसंग आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं अतः चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी एक और ऐसे ही अद्भुत अंक के साथ। अब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।